हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। ये कनेर का पौधा है और आज इसी प्लांट की देखभाल शेयर करने वाली हूँ इस प्लांट वीडियो में। पसंद आए आप लोगों को प्लांट वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को। तो ये जो प्लांट है ये है कनेर का पौधा, और ये जो प्लांट है कम्प्लीटली आउटडोर प्लांट होते हैं। ऐसी जगह में घर के बाहर रखने वाले पौधे जहाँ धूप बहुत अच्छी मिलती हो, 6 से 8 घंटे की धूप मिलती हो, तो वहाँ पे इनकी जो फ्लावरिंग होती है, फूल जो आते हैं बहुत अच्छी तरह से आते हैं, भर भर के फ्लावरिंग होती है इन पौधों में। इस पौधे की अगर प्रोपगेशन की बात करें कि इस पौधे को आप एक से बहुत सारे प्लांट्स कैसे बना सकते हैं, तो आप इसको कटिंग से बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये जो पौधे होते हैं फ्रेंड्स, इसकी मोटी कटिंग लेते हैं, अगर किसी भी डाली को आप लेते हैं तो वो मोटी डाली हो तो वो बहुत जल्दी लग जाती है, तो मोटी डाली लें ताकि ग्रोथ बहुत जल्दी शुरू हो जाए आपके प्लांट की। और फूलों वाले जो प्लांट होते हैं इसमें बहुत सारे रंगों में मिल जाते हैं, जैसे सफ़ेद, ये तो येल्लो दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, ये जो प्लांट है मेरे पास येल्लो कलर का है, लाइट पिंक, डार्क पिंक, फिर कलर कॉम्बिनेशन जो वाइट और पिंक कॉम्बिनेशन में भी आता है। तो बहुत ही सस्ते पौधे होते हैं ये, कम से कम 50-60 रुपए में बहुत आसानी से मिल जाएगा अगर छोटा पौधा है तो। और थोड़े से जो बड़े पौधे होते हैं वो थोड़े से महंगे मिलते हैं, वैसे तो पौधे आजकल बहुत महंगे होते ही जा रहे हैं। और एक बार अगर आप इन पौधों को घर में ले आते हैं तो हमेशा आपके घर में ये पौधे बने रहेंगे, अगर अच्छे से आप देखभाल करते हैं इन पौधों की तो। अब बात करते हैं कि किस तरह के गमले में लगाएं इस पौधे को फ्रेंड्स। अगर आपके पास ग्राउंड जगह है, लॉन है, खुला ओपन एरिया है, तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। ज़मीन में बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो होते हैं, फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है ज़मीन में लगाने से। लेकिन जिन लोगों के पास फ्रेंड्स जगह नहीं है, जो गमले में लगाना चाहते हैं, वो गमले में भी लगा सकते हैं। तो मिट्टी के गमले में लगाएं या सीमेंट के गमले में लगाएं, तो उनमें बहुत मिट्टी के गमलों में ये जो ग्रोथ करते हैं पौधे बहुत अच्छी तरह से करते हैं, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। मिट्टी तो आप इसको सिर्फ मिट्टी में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक हिस्सा रेत मिला लें मिट्टी के साथ और उसमें एक हिस्सा गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, तो भी बहुत अच्छी तरह से ये फ्लावरिंग करते हैं। ये जो पौधे हैं फ्रेंड्स, धूप वाले पौधे हैं। जब भी इस पौधे को लगा कर रखें तो धूप में रख दें पूरी तरह से, लगाने के कुछ 6-7 दिनों के बाद इसको शेडेड एरिया से बाहर निकालें, क्योंकि किसी भी नए पौधे को जब आप रिपोर्ट करते हैं, लगाते हैं, तो उसको डायरेक्टली सन में, मतलब धूप में नहीं रखना चाहिए, वरना वो जो पौधा है वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए 6-7 दिनों के बाद उसको शेडेड एरिया से निकाल के धूप में रखें, जहाँ पर इसकी ग्रोथ अच्छी हो सके और फ्लावरिंग इसमें ज़्यादा हो सके। पानी की बात करें तो इसको जब मिट्टी इसकी सूख जाती है पूरी तरह से, तभी इसमें पानी दिया करें। खाद की बात करें फ्रेंड्स, तो आप इसमें गोबर की खाद या इसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, जिससे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आप फर्टिलाइज़र के रूप में, खाद के तौर पर, आप इसमें केले का छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो केले के छिलके को सुखाकर इसकी मिट्टी में दबा दें और पानी डाल दें, उससे भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। या फिर केले को कुछ 1-1.5 लीटर पानी में किसी कंटेनर में बंद करके 1-2 दिन तक रखें, और फिर उसी पानी को छान के हर 15 से 20 दिन में इसके गमले में डालें, तो उससे भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, जिससे प्लांट के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। धूप में रखें अच्छी फ्लावरिंग के लिए, अगर आपके पौधों में धूप की वजह से फ्लावर नहीं आते हैं कभी कभी, तो धूप पूरी तरह से धूप में रखें। और सरसों की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत अच्छी फ्लावरिंग के लिए, 1 चम्मच सरसों खली का पाउडर मिला सकते हैं इसकी गमले की मिट्टी में। लेकिन ध्यान रखें बहुत ज़्यादा मात्रा ना लें सरसों की खली का, वरना ज़्यादा मात्रा की वजह से इसके जो प्लांट्स होते हैं वो जल भी जाते हैं, तो इसीलिए ध्यान रखें। और पानी ज़रूर डाल दें खाद डालने के बाद। इसके अलावा पोटाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए। 1 चम्मच पोटाश आप हर 15 से 20 दिन में इसकी मिट्टी में गुड़ाई करके डालें और फिर पानी डालें, तो उससे भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है कनेर के पौधों में। और
और अगर कीड़े मकौड़े लगते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें ऐसा पौधा है, इसमें कीड़े मकौड़े जल्दी नहीं लगते हैं। अगर लग रहे हैं तो आप इसमें नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि ये जो प्रॉब्लम है आपका कीड़े मकौड़े का, वो दूर हो जाएगा। वैसे धूप में रहने की वजह से इसमें कीड़े मकौड़े भी नहीं लगते हैं जल्दी। तो इस तरह से आप अपने पौधे का, कनेर के पौधे का, आप इसका ध्यान रख सकते हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। और जहाँ से एक बार फ्लावरिंग हो जाती है, उसके थोड़े से नीचे से जब फूल सूख जाता है, उसको काट दिया करें, ताकि वहाँ से नए ब्रांचेस निकलें और उसमें से नए फ्लावरिंग शुरू हो जाए। तो इस तरह से ये प्लांट बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते रहते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं, थोड़े से पॉइजनस भी होते हैं, जहरीले। तो जब भी काम करते हैं तो हाथों को अच्छे से धो लिया करें काम करने के बाद। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।